नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ OCR बिल्डिंग पर किसानों का उमड़ा हुजूम, सभी किसान राजभवन ज्ञापन उनको देने पहुंचे। कुछ देर में राजभवन के लिए निकलेंगे किसान। किसानों को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो लखनऊ OCR बिल्डिंग पर किसानों का हुजूम उमड़ा है, सभी किसान राजभवन पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कुछ देर में राजभवन के लिए निकलेंगे तमाम किसान। तो किसानों को देखते हुए भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। OCR बिल्डिंग में किसानों का हुजूम उमड़ा है, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। तो किसानों का हुजूम उमड़ा है, ज्ञापन देंगे राजभवन जाकर। तस्वीरें देख सकते हैं आप, OCR बिल्डिंग की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसान एकत्रित हुए हैं और कुछ ही देर में राजभवन के लिए निकलने के लिए तैयार होंगे। तो सभी किसान राजभवन ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान इकट्ठा हुए। मैं इस खबर पर संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, कौन सी वो मांगे हैं जिसके चलते ज्ञापन देने राजभवन पहुंचेंगे किसान? देखिए कीर्ति, लगातार कई महीनों से इस बात का विरोध हो रहा है कि केंद्र सरकार जो किसान बिल लाई है और उसी को रद्द करने की मांग को लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से किसान लगातार एकजुट होते दिखते नजर आए हैं। और आज भी, कल से ही अलग अलग प्रदेशों से किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है, क्योंकि जो आंदोलन सुस्त पड़ा हुआ था उसको फिर से हवा दी जाए, ताकि जो उनकी मांगे हैं किसान बिल को रद्द करने की, उस पर फिर से केंद्र सरकार पुनर्विचार करें। और उसी को लेकर के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अब उत्तर प्रदेश में भी सियासत गर्म हो रही है। आज सुबह किसान तड़के हुसैनगंज के OCR बिल्डिंग के पास जमा हुए हैं और तकरीबन 60 के तादाद में ये जो किसान हैं वो वहाँ जमे हुए हैं। सीधे सीधे उनकी मांग है कि उनको राजभवन जाने दिया जाए, राज्यपाल से मिलने दिया जाए, ताकि वो जो अपना ज्ञापन है वो शीर्ष स्तर तक पहुँचाए, ताकि केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुँचे। फिलहाल पुलिस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि जो किसानों का जो घेरा है उनके ऊपर बल प्रयोग भी ना किया जाए और उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ऐसे में स्थिति डामाडोल ये हो सकती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति बिगड़ती है, अगर किसानों में आक्रोश ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ PAC की भी कई कंपनियां किसानों को उस इलाके में बैरिकेड कर दी गई है, ताकि किसान आगे कुछ ना कर सके। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं इस खबर पर शमशाद भी जुड़ चुके हैं। शमशाद, क्या स्थिति आप इस वक्त देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है, राज्यपाल से मिलने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया, तो किस तरह की स्थिति अभी आप OCR बिल्डिंग के सामने देख पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि 7 महीने से किसान जो है सड़कों पे बैठा हुआ है, उनकी मांगे नहीं पूरी हो पा रही है। आज वहीं पे जो है राकेश चौहान जी हैं जो किसान यूनियन अध्यक्ष हैं और बाकी काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर राज्यपाल जी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे सड़कों पे हैं और राज्यपाल के जो है कार्यालय वहाँ पे जाएंगे, मगर अभी पुलिस बल जो है यहाँ पे काफी ज्यादा तैनात है और हो सके इनको जो है रास्ते में रोकने की भी कोशिश की जाएगी। शायद आपको क्या स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से किसानों का आक्रोश हम लोग ने देखने को मिला था 26 जनवरी को भी, क्या उसके बाद इस तरह की स्थिति बिगड़ने के कोई आसार दिख रहे हैं? नहीं, किसानों का कहना है कि जिस तरीके से अगर हमको यहाँ पे रोका जाएगा मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, मगर मैं वापिस नहीं जाऊंगा, बिना ज्ञापन दिए मैं वापिस नहीं जाऊंगा, और क्योंकि मुझे ज्ञापन देना है राज्यपाल जी को, तो मैं राज्यपाल जी से मिलने की कोशिश करूंगा और अगर मुझे पुलिस बल के द्वारा रोका जाता है तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, मगर मैं जाऊंगा नहीं। यानी कि OCR बिल्डिंग से आप किसान कितनी देर में निकलेंगे राज्यपाल को ज्ञापन देने? लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर ये जो है पूरे जितने भी किसान यहाँ पे आए हुए हैं, लगभग 100-150 किसान हैं यहाँ पे मौजूद हैं,
ये सब जो है अभी 10 से 20 मिनट के अंदर ये निकलने वाले हैं राजपाल जी के लिए ज्ञापन देने के लिए, और मगर पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है जो इन्हें आगे जाने नहीं देगी। लगातार नजरें बनाए रखिए कि किस तरह से किसान राजपाल भवन में जाते हैं और क्या वो जा पाते हैं या नहीं, राजपाल को ज्ञापन दे रहे राजभवन जा पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान अपनी मांगों को लेकर आज अड़े हुए हैं, ओसीआर बिल्डिंग की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर किसानों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस बल को पहले ही सतर्क कर दिया गया है ताकि किसान जो है वो राजभवन तक ना पहुंच पाए। वही अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी आज अयोध्या को लेकर करेंगे समीक्षा, अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअल तरीके से लेंगे अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम 13 और सदस्य भी हो सकते हैं शामिल। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समीक्षा बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की जाएगी, वर्चुअली माध्यम से की जाएगी, और इस समीक्षा बैठक में अयोध्या को लेकर चर्चा होगी जिसमें अयोध्या के विकास कार्यों पर समीक्षा की जाएगी, साथ ही साथ विजन डॉक्यूमेंट को वर्चुअली तरीके से भी देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम के समेत 13 और सदस्य भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वही जिला पंचायत के लिए नामांकन आज, बड़ी खबर, डीएम कार्यालय में होगा नामांकन, पुलिस प्रशासन ने किया रूट डायवर्जन, कचहरी के पीछे गेट से जा सकेंगे प्रत्याशी, एसएसपी आवास चौराहे पर किया गया रूट डायवर्जन, सपा और भाजपा प्रत्याशी करेंगे नामांकन, प्रशासन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर, यूपी के 120 राजकीय महाविद्यालयों को मिलेंगे टैबलेट, महाविद्यालयों को मिलेंगे 1080 प्रीलेटेड टैबलेट। लखनऊ में 24 और 27 जून को बंद रहेगी मेट्रो सेवा, सोमवार सुबह 7 बजे से होगा मेट्रो का संचालन। प्रयागराज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, पुलिस ने नाबालिग बच्चों का किया रेस्क्यू। हमीरपुर में बदमाशों ने की व्यापारी पर फायरिंग, रंगदारी न देने पर हुई फायरिंग। प्रयागराज में दिनदहाड़े युवक की हत्या, 3 दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप, एक युवक पुलिस के हिरासत में। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 50 बच्चे रेस्क्यू किए गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ ने इन बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया। दरअसल नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्पलाइन ने जीआरपी और आरपीएफ को यह सूचना दी थी कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से बड़ी संख्या में बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर ले जाया जा रहा है। इस मामले में कैलाश सत्यार्थी ने भी ट्वीट किया था, जिसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचने पर जनरल कोच से 50 बच्चे उतारे गए। इसमें कुछ बच्चे पश्चिम बंगाल और कुछ बिहार के रहने वाले हैं। रेस्क्यू किए गए 50 बच्चों में 33 नाबालिग और 70 बच्चे बालिग हैं। इनमें कुछ बच्चों को कानपुर और आनंद विहार ले जाया जा रहा है। क्रॉस बयान किया, पहले बच्चों का बयान लिया, फिर उसके बाद इन बच्चों के साथ जाने वालों का बयान किया। तो जो बातें मेरे सामने आई वो ये आई कि इनमें से 3 से 4 ग्रुप के बच्चे वो उसमें आपके मदरसे के नाम पे जा रहे थे, और कुछ ये कहा कि ये ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, और दूसरे 5 ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं। मैंने अपनी बात इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि 5 ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं जिसमें उन लोगों ने कहा कि वो लुधियाना और आपके दिल्ली, इन दो जगहों पे सिलाई का काम और मोमोज का की दुकानों पे काम करने का काम ये काम करते हैं। मेरे द्वारा इनके उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि इस कोविड काल में जब सारे स्कूल और सब मदरसे बंद हैं तो वो ये मदरसे क्यों आए,
तो उस पर उनका ये जवाब था कि हम मदरसे इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए थे। ये अब पुलिस के लिए जांच का विषय है कि मैंने उनसे अजीत जी जो यहाँ जीआरपी देख रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि आप इस संबंध में संबंधित मदरसा प्रबंधक से जानकारी लें कि ये बच्चे वहाँ से अगर इनका परिवार भेज भी रहा था तो क्या यहाँ वो ट्यूशन के लिए आए थे या नहीं। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में देशहरा युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके तीन दोस्तों पर ही लगा है। हत्या की वजह फिलहाल अभी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन हत्याकांड में शामिल एक युवक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि मृतक के परिजनों ने इसके तीन दोस्तों पर घर से बुलाकर ले जाकर हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक के पिता की माने तो देर शाम घर से उसके दोस्त बुलाकर ले गए, उसके कुछ देर बाद ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी की गई तो उनका नाम मानस सिंह है, शनाब शक्ति सिंह, वो अबू बकरपुर मोहल्ले के धूमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उम्र उनके लगभग 22-24 साल है। यहाँ पे आके जब आरंभिक जानकारी की गई, उनके परिवार वालों से जानकारी की गई, तो घटनाक्रम में मालूम चला कि घर से वो दो लोग जो उनके दोस्त हैं वो पहले आए थे और एक बन नवनिर्माणाधीन मकान पर उनके साथ लेके गए थे। फिर वहीं से जानकारी मिली है कि वो सीढ़ी लाने भी गए थे और उसी मकान पे बैठे थे और वहाँ पे कुछ लेबर काम कर रहे थे। उसी मकान पर एक जो मोस्ट संदिग्ध व्यक्ति है सूरज, बताया जा रहा है कि उसके पास पिस्टल थी और वहीं पे इसको गोली लगी है। सूरज हिरासत में है, उनसे पूछ। रामपुर के अजीम नगर थाना पुलिस ने एक गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गैंगस्टर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 42,25,800 रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की। आरोपी पर रामपुर और नैनीताल जनपद के कई थानों में चोरी, लूट, बलात्कार, मारपीट और पुलिस मुठभेड़ जैसे 22 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में से है और थाना अजीम नगर पर हिस्ट्री शीटर में दर्ज है। ये थाना अजीम नगर पर पंजीकृत अपराध संख्या 165/2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था नब्बू नायब थाना बसमत अली के खिलाफ। उसी में जांच के दौरान ये पाया गया कि इसके द्वारा अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया गया है, तो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से धारा 14(1) के अंतर्गत लखनऊ के कैंपल रोड स्थित गाजी समाज विकास समिति ने अपने जिला कार्यालय पर नव नियुक्त जिलाध्यक्ष सलमान गाजी को लखनऊ के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। नवनीत जिलाध्यक्ष सलमान गाजी का समाज ने जोरदार स्वागत किया और साथ ही गाजी समाज की अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया। इस दौरान गाजी समाज के विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष इरफान गाजी ने गाजी समाज की अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए सरकार से मांगे भी की। दरअसल गाजी समाज का कहना है कि सरकार इस समाज को दूधिया प्लांट आवंटित करे, नगर निगम से जुड़े देहातों में दूधिया प्लांट को आवंटित किया जाए, जिससे गाजी समाज अपना जीवन यापन कर सके, जिससे नगर निगम के कार्यों में कोई बाधा ना आए। जौनपुर के भेजा जलालपुर क्षेत्र में दिनदहाड़े बदमाशों ने एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि बदमाशों को अब पुलिस का खौफ नहीं रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। तो दिनदहाड़े जौनपुर में हत्या का मामला सामने आया है, गला रेतकर हत्या की गई है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अब बदमाशों को किसी का खौफ नहीं रह गया है। वादी श्री अमित कुमार सिंह जो ग्राम कोतवालपुर थाना जलालपुर के रहने वाले हैं, आज थाने पर एक तहरीर ला के दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके गांव के ही 5 लोग शराब पिलाने के लिए उसके भाई को ले गए थे और शराब पिलाने के दौरान चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दो लोगों को, जिसमें जो नामजद है। हमीरपुर के मौदाहा थाना क्षेत्र में रंगदारी न देने पर व्यापारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। टायर एजेंसी के मालिक व्यापारी ने रंगदारी देने से इनकार किया था, जिसके बाद 4 बदमाशों ने व्यापारी की दुकान में घुसकर 4 राउंड फायरिंग कर दी। वहीं व्यापारी ने अपने गोदाम में भागकर जान बचाई। सरेआम हुई फायरिंग से कस्बे में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरी टायर एजेंसी है यहाँ पे मौदाहा में,
और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था शाम को। एक पूर्व में काफ़ी मैंने पहले मुझे याद नहीं है, एक व्यक्ति रमना का मेरे पास उधार मांगने आया, मैंने उसको मना कर दिया देने से। उस बात से जो भी उसको रंगी सर मुझसे मुझे नहीं पता, वो आज उसका छोटा भाई आया और मुझसे रंगदारी की मांग करने लगा। मैंने उसको डांटते हुए धक्का देकर दुकान से बाहर निकाला और मैं अपने वापस से अपना काम करने लगा। आधे घंटे बाद कुछ चार लोग बाइक से आए और उसमें से दो लोग अंदर आए और बोले कौन था, और आते मेरी तरफ बढ़े तो मैंने कहा हुआ क्या हुआ क्या। तब तो उसने अपने बगल से एक गन निकाली और मेरी तरफ तानने की हुआ, तो मैंने जल्दी उसका हाथ धक्का दे के जल्दी से और मैं भगा। मैं गोदाम से अपने अंदर की तरफ गया, उसने मेरे ऊपर दो फायर झोंके। उसके बाद मैं जब अंदर चला गया तो गेस्ट हाउस से बाहर निकल उसने फिर दो फायर झोंके और उसके बाद आराम से फट्टा लहराते हुए निकल गया गाड़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार शाम विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर कानपुर पहुंचे। लखनऊ में जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर नगर आगमन पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। रेलवे के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को शाम 8 बजे विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचे। कानपुर आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद कानपुर देहात जिले में अपने पैतृक गांव परौख का दौरा करेंगे। वहीं रविवार को परौख गांव में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 28 जून को वो विशेष रेलगाड़ी से ही लखनऊ जाएंगे। राष्ट्रपति शुक्रवार दोपहर को कानपुर के लिए दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन में सवार हुए थे। बयान के अनुसार राष्ट्रपति की पहली ट्रेन यात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए मार्ग के स्टेशनों को सजाया गया था। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शहर के विकास, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को लेकर चर्चा करेंगे। शिक्षा क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां उनसे मिलेंगी तो कई प्रमुख चिकित्सकों के नाम भी मिलने वालों की सूची में शामिल है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी उन्हें औद्योगिक विकास और शहर के विकास के बारे में बताएंगे। वहीं मंडलायुक्त भी केंद्र सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट पर राष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में और परिजनों में दहशत फैल गई। सिपाही 2011 बैच का था और थाना कुर्रा क्षेत्र में डायल 112 पर तैनात था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक सिपाही का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सिपाही रूपेंद्र ने यह कदम उठाया। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का खेला हुई नारे ने जो चुनावी कमाल किया, उसने तो उनको बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब उनका यही नारा बीजेपी के अन्य प्रदेशों में परेशानी बनने को तैयार है, क्योंकि यूपी में सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ममता बनर्जी के नारे को अपना लिया है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने विधिवत इस नारे की लिखी होर्डिंग शहर में लगवानी शुरू कर दी है। शहर के बड़े चौराहों पर एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई, जिसमें लिखा है अब यूपी में खेला हुई। होर्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी है। इस होर्डिंग को कानपुर नगर के सपा अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने लगवाया है। बीते दिनों गोरखपुर के एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के चिकित्सक से असलहा सटाकर 4.5 लाख लूटने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी कर लूट की रकम में से 1,94,000 की नकदी कर गोरखपुर एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने मामले का खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल बाकी लुटेरों की तलाश की जा रही है, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसके साथ ही एसएसपी ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 का नकद इनाम भी दिया है। तो उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।